राजा भात चाय बगान ब्लॉक कालचिनी जिला अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल राज्य का डांगी लाइन जो राजा भातखावा चाय बगान अंचल में है, 3 साल से भारी पानी का समस्या था। इससे 350 परिवार इस पानी की समस्या से ग्रसित थी। साथ साथ दूषित पानी चापाकल से लाल पानी निकलने की शिकायत थी। इस समस्या का खबर पाकर मैं 24 जुलाई 2017 में गांव में गया, लोगों से बात की और जानकारी के अनुसार मैंने रिसर्च काम शुरू किया और बाद में BDO वॉलंटियर की तरफ से एक इशू वीडियो बनाया। इशू वीडियो बनाने के उपरांत अब 11 महीने बाद प्रशासन द्वारा समस्या का समाधान कर दिया गया है। पानी का समस्या का निजात पाकर 350 परिवार बेहद खुशी हैं। चाय बगान के लोग और समुदाय के बच्चे शुद्ध साफ पानी पी सक रहे हैं इस चाय बगान में। समस्या क्या था आप लोगों का? समस्या हम लोग का पानी का था। तो अभी पानी BDO ऑफिस गया, प्रधान के पास में गया, SDO ऑफिस गया। कैसा कैसा समस्या था आप लोग का? बच्चा सबका पूरा खुजली हो गया था, हाथ में पैर में गला आसपास ये आसपास पूरा एकदम पानी भी एकदम लाल गिर रहा था। तो समस्या दूर करने के लिए आप लोग क्या क्या किए? GP में गया, GP में प्रधान को एप्लीकेशन दिए, उसके बाद में BDO ऑफिस में एप्लीकेशन दिए, फिर धरना भी दिए थे GP में जाके, 2-3 बार जाके दिए थे धरना GP में। हाँ, GP में। फिर उसके बाद क्या क्या बोला प्रधान ने? तो प्रधान बोला कि ठीक है, वहाँ से आदमी बुलाएंगे, तो उसके बाद वो जो ये सब काम करता है वो सबका पानी उनी सब काम करता है वो सबका आएगा, होने से सब हो जाएगा। 2-3 बार बोला हो जाएगा। बाद में जब धरना दिए तब जाके यहाँ से पूरा लड़ाई उड़ाई किए, तब जाके ये सब पूरा डिसीजन एक्शन कर लिया, तब हुआ। समस्या से बनाया गया BDO वॉलंटियर की आयु BDO समुदाय को छोटे छोटे स्तर में BDO दिखा के जागरूक करने के लिए आगे आया। साथ साथ मैं सभी 3 आवेदनों की प्रधान द्वारा रिसिप्ट कॉपी और अन्य इविडेंट फोटोकॉपी IU BDO की YouTube लिंक, Facebook लिंक के साथ DM अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट श्रीमान देवी प्रसाद कारनाम IAS को पत्र भेजा। फिर समस्या समाधान होना शुरू हुआ और अब पूरा समस्या समाधान हो चुका है। सबको ताली मार के स्वागत कर देना। तनिकन पिए के लिख करके एखन पानी कहाँ आवेला? घर में आवत है। कैसा होला कि पानी घर में कैसा आवत है? का करला तो हरे कर, लेकिन पानी आने के लिए नहीं, वो कोनो करत इस लेके का कोनो के ओकर बाद पंचायत मन के कहली। ओकर बाद में कितना दिन से पानी आवत है घरे? 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गेलक। तो तोहरे के एखन पानी घरे आए के सुविधा लागत है? हां, सुविधा है एखन। और कई टाइम पानी गिरेला? तीन टाइम पानी गिरेला।
घर कर जितना जरूरत कर काम पूरा होवे ला एखन पानी से होवत है तो तोहरे का एखन खुशिया है हाँ थोड़ी जोर से बताओ खुशिया है। बदलाव कैसे आया, कौन कौन आया था यहाँ पे? बदलाव आया, अभी न्यूज़ आया था, हरिहर आया था, वह न्यूज़ में भी दिखाया गया था, ये सब के लिए पूरा सब तरफ न्यूज़ में हो गया। गांव का पूरा लड़का सब गया था, औरत सब, महिला सब पूरे गया था, बच्चा उच्चा सब। अब कैसा हाल है लोगों का, पानी कैसा मिल रहा है? पानी एकदम ठीक ठाक मिल रहा है, सबके घर घर में पहुंच रहा है अभी पानी। तो वहाँ पे जो आपका जो कल था, जो लाल पानी गिर रहा था, वहाँ पे क्या साफ उफ किया गया? हाँ, अभी साफ उफ करके फिर दूसरा मोटर वोटर बैठा के फिर अभी साफ उफ करके लाल पानी खत्म हो गया, उसके बाद में फिर साफ पानी चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे क्या मोटर बैठाया गया? हाँ, मोटर बैठाया गया। वो किधर से बैठाया गया? जमीन के अंदर बैठाया गया। जमीन के अंदर बैठाया गया। तो ये सब आपको होने के बाद में अभी जो पानी का सप्लाई है वो किस तरह से दिया जा रहा है? अभी सब तरफ तो एक ही बार नहीं पहुँचना चाहिए, इसलिए भाग भाग कर दिया गया है। एक घंटा इधर में, एक घंटा ये इस साइड में। तकलीफ करके बहुत दूर दूर से पानी लाते थे और अभी उन लोगों का घर में पानी का समाधान हो गया तो मुझे बहुत खुशी लग रही है कि मैं इनका दुख दूर कर सकी। आपको खुशी लग रहा है जी? आप बेहद खुश हैं। अभी जो पानी आप लोग को मिल रहा है इससे आप लोग खुश हैं? खुशहाल चल रहा है। पानी आने के लिए मैं पंचायत मेंबर और प्रधान सबको तहे दिल से आभारी प्रकट करता हूँ। आखिरकार 11 महीने देरी हुई मगर वीडियो वॉलंटियर की तत्परता, समुदाय की सम्मिलित प्रयास और प्रशासन की पहलकदमी से आज राजा भाग चाय बागान शुद्ध जल उपलब्ध हुई है। इसलिए मैं हरिहर नागवंशी मेरा तरफ से और वीडियो वॉलंटियर की तरफ से समस्या से समाधान तक लाने वाले मददगार जागरूक समुदाय ग्राम पंचायत के प्रधान लीलामती ग्वाला गारोपड़ा ग्राम पंचायत पंचायत सदस्य श्रीमान धर्मपाल क्रिकेट्टा को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं हरिहर नागवंशी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहद के लिए।